If A is an invertible matrix of order 3 by 3 and determinant of A equals to 4, then we have to find the value of determinant of adjoint of A. ठीक है, सो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन की होल स्क्वायर. ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत काम की है. चलिए पहले हम देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम डिराइव कैसे कर सकते हैं. सो प्रीवियसली हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने लिखा था adjoint of A is equals to determinant of A की power n minus 2 into matrix A. ठीक है, सो यहीं से हम इसको क्यों ना प्रोसीड करें इस सवाल को. सो थोड़े टाइम के लिए अज्यूम कीजिए आप कि ये एक स्केलर K है, क्योंकि वैल्यू ही होती है यहाँ पे, एक वैल्यू की पावर कुछ भी हो तो वैल्यू ही आएगी यहाँ पे. सो हम इसको बोल सकते हैं K टाइम्स ऑफ A, और यहाँ पे हमारे पास है adjoint of A. दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, क्यों ना हम दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल दें. सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस. अब हमें पता है कि अगर कोई भी स्केलर मल्टीप्लाइड बाय कोई मैट्रिक्स हो और उसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो ये होता है k की पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ओके, k क्या होता है और n क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स. k क्या है, यहाँ पे एक स्केलर है. ठीक है, सो क्यों ना हम k की वैल्यू को पुट करें अब यहाँ पे. सो k की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 2 की होल पावर है हमारे पास यहाँ पे n, और मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ a से. बहुत ईजी चीज़ें हैं यहाँ पे. ठीक है, सो अभी हमें मिल जाएगा, अब हमें पता है कि अगर a की पावर b हो और इसी में पावर c हो, तो ये a की पावर bc बन जाता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू. ठीक है, सो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 2 इंटू n एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a एज इट इज़. सो इट कैन बी रिटन एज दो नंबर सेम टू सेम है, दोनों एक्सपोनेंट्स पावर एड अप हो जाएंगी. सो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, देन n इंटू में n माइनस 2 एंड प्लस 1. थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n एंड प्लस 1. ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो टर्म आई है यहाँ पे, एक्सपेंशन है किसका, n माइनस 1 की होल स्क्वायर का. सो हम इसको बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में सॉरी रेज टू द पावर n माइनस 1 की होल स्क्वायर. सो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आएगा, वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a होल टू द पावर n माइनस 1 की होल स्क्वायर. n क्या है यहाँ पे, n यहाँ पे है इसका ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर है. ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करना सीख गए. नाउ इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं. हमें याद रखिएगा, प्रॉपर्टी को प्रूफ नहीं करना कभी भी, हमें डायरेक्टली इनको यूज़ करना है. हालांकि आप अगर इन प्रॉपर्टीज़ को भूल जाते हैं तो आप डिराइव कर सकते हैं यूजिंग सम अदर प्रॉपर्टी जो उसकी पैरेंट प्रॉपर्टी होगी उससे. ठीक है, सो ये हमारे पास हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमारे पास कितना गिवन है, वो दिया है 4. सो ये हो जाएगा 4 रिस्ट टू द पावर एन है यहाँ पे 3 माइनस 1 की होल स्क्वायर. सो ये हमें दे देगा 4, देन 2 की स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 हमारे पास होती है 256. सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. ठीक है, प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करना भी सीख गए. याद रखिएगा, प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अगर आप प्रॉपर्टीज़ को भूल जाते हैं तो आप डेराइव बड़े इजीली कर सकते हैं यूजिंग सम पैरेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. आप इस क्वेश्चन को प्लीज़ अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए.